टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कॉलर में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केवीएस में टीजीटू में वर्क एक्सपीरियंस की जो वैकेंसी आ रखी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, उसमें आप लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम लोग क्यों हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की स्पेशली मैं बात करता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे अगर आप देखेंगे मेरी यूपीपीसीएल से लेके एनबीसीसी, आईटीपीओ, एचपीसीएल, डीएमआरसी, ये यूपीएससी लेक्चरर में और बहुत सारी जगह मेरी ऑल इंडिया रैंक वन थी, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? उसके पीछे का जो लॉजिक था वो था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए, मेरे हर एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि किसी एग्जाम का सिलेबस कुछ और होगा, एग्जाम पैटर्न कुछ और होगा, तो हमारी स्ट्रेटजी उस पेपर के लिए दूसरी हो जाएगी। किसी में अगर माइक्रो प्रोसेसर पूछ लेगा तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ के जाएंगे, किसी में माइक्रो प्रोसेसर की जगह कम्युनिकेशन पूछेगा तो हम लोग को कम्युनिकेशन पढ़ के जाना पड़ेगा। और जो भी बच्चे सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को नहीं समझते हैं, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। उनको लगता है कि यार इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम कर तो लिया, थोड़ा बहुत सर्किट कर लिया, जो पूरे यूट्यूब भर में चल रहा है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आपकी ये सोच है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केवीएस टीजीटू वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या आप लोग के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न आएगा और क्या क्या सिलेबस में आप लोग को देखना है। पूरी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। और जो लोग बच्चे नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहले कि सिलेबस पैटर्न क्या है इसका, केवीएस टीजीटू का। देखिए, जो नया नया चीज है हम लोग उसकी बात करेंगे कि हमें किस किस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। अगर यहां पे बात करूं तो सर्किट फंडामेंटल, रजिस्ट्री सर्किट, किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम, हाँ अगर इसमें आप लोग को फोकस करने को बोलूंगा मैं तो मैं बोलूंगा एनर्जी सोर्स टॉपिक के ऊपर। तो ये हो गया आप लोग का टॉपिक वन जो आप लोग को पढ़ना है, या यूं कहें जो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग को ये तो ठीक है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, टाइमिंग सर्किट एंड फिल्टर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये हो गया टॉपिक टू जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक टू में बहुत सारी चीज़ हैं, एनर्जी लेवल है, होल फॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, इंडस्ट्री सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, पीएन जंक्शन तो हमारा हो जाएगा, पीएन जंक्शन स्पेशल डायोड भी हो जाएगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, दिस इज टॉपिक थ्री। और एक थोड़ा सा स्पेशल डायोड के ऊपर भी पर में फोकस करना पड़ेगा, दिस विल बी टॉपिक फोर। उसके बाद इसके अंदर हम लोग को इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सीएलसी, पाई फिल्टर और ब्लीडर रेजिस्टर जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर कैपेसिटेंस एलसी फिल्टर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। तो एक बार डीसी पावर सप्लाई भी हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि जनरली हम लोग छोड़ के जाते हैं, दिस विल बी टॉपिक फोर डेट वी हैव टू कवर। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब ये देखिए क्या है, पहला तो है बेसिक ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्रोक्सीमेशन ये भी ठीक है, लोड लाइन और ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट एंड मोड ये भी ठीक है, ये भी बच्चे कर ही लेते हैं। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं उनसे रिक्वेस्ट है भैया इस टॉपिक को कर लीजिएगा, दिस विल बी टॉपिक फाइव। और आगे देखते हैं, जिस जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को करने हैं, टोटल 30-35 टॉपिक हैं इसमें जो आप लोग को करने हैं। उसके बाद सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज, डेसिबल फ्रीक्वेंसी ये करना है, ठीक है, ये करते हैं लेकिन दोबारा से एक बार करेंगे इसको, दिस विल बी टॉपिक सिक्स, बाकी तो करवा ही रखा है सारा। और आगे देख लेते हैं और कौन कौन सा, जो जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ वो समझ लीजिए वो आप लोग को स्पेशल पढ़ना है, बाकी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। एक ये ब्रेकडाउन डिवाइस में आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, दिस विल बी टॉपिक सेवन। साइनसोइडल ऑसिलेटर करवा ही रखा था मैंने, ये जो है एफएटी पियर्स ऑसिलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर तो करवा रखा है, एक ये करना है, दिस विल बी टॉपिक एट। और कुछ कुछ इनमें से ही कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करवा नहीं रखे वो भी देखना पड़ेगा, दिस विल बी टॉपिक नाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये सब देखना है, यूसी वगैरह देखना है, तो ये सब हमें करना पड़ेगा, यूनिटी फॉलोअर एडा समरी तो करवा ही रखे हैं, बाकी बाकी तब भी थोड़े बहुत उसमें पॉइंट देख लेंगे हम लोग। और देखते हैं इसमें एक दिस विल बी टॉपिक नाइन, लॉजिक फैमिली वाला हमें करना ही है,
ठीक है। बाकी ट्रांसड्यूसर वाला कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसड्यूसर बच्चे करते नहीं है। तो दिस विल बी टॉपिक 10, और ये तो आप लोग करें। तो 10 नए टॉपिक हैं जो आप लोग को एग्जाम में करके जाने। अब देखिए क्या हो गया, जो मैंने आप लोग को सिलेबस समझाया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 100 नंबर का जो मेरा टेक्निकल है, उसमें हमारे पास 10 टॉपिक ऐसे हैं, 10 टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग ने नहीं पढ़े या कम पढ़ के जाते। तो इन 10 टॉपिक से कम नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? हमारा सिलेक्शन होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ये टेक्निकल टॉपिक आपको करने। इसके अलावा जो 80 नंबर का जो नॉन टेक है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। पिछली बार मैंने बताया था कि 100+50 का पेपर आया था, बट इस बार 100+80 का पेपर आएगा। तो जो 80 नंबर का जो नॉन टेक है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। अपने जीएस पोर्शन पे ध्यान देना है, एपटी रीजनिंग पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है और हिंदी पे ध्यान देना है। तो ये तो आप लोग का सिलेबस था कि मैं कैसे कैसे कर। अब क्या आप लोग का व्यू होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर? देखिए जितने बच्चे OCMTQ बैच AEJEE और UPPCL JEE बैच में एनरोल्ड हैं, JEE स्कोर में, उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे टॉपिक जो भी बच गए ये बिफोर दिसंबर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग टारगेट करेंगे KVS पे। तो क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, तो इसको हम लोग बिफोर दिसंबर हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैं मंडे से, मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे अल्टरनेट डेज पे, ये आप लोग देख लीजिएगा टाइमिंग मैंने लिख दी है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:30 PM से 7:15 PM तक की क्लास रहेगी। टाइमिंग देख लीजिए, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये पब्लिक क्लास है यूट्यूब पे जो होगी हमारी। इसमें हम लोग KVS वर्क एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा। टॉपिक वाइज इस चीज को हम लोग को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को ये क्लास टाइमिंग का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आप लोग को आना है क्लास अटेंड करने के लिए, जितने भी बच्चे KVS वर्क एक्सपीरियंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बच्चों को नॉन टेक में दिक्कत हो रही है, नॉन टेक में दिक्कत हो रही है, YouTube की प्लेलिस्ट पे नॉन टेक की क्लासेस अपलोड हो रखी हैं, आप उतना कर लीजिए, वो आप लोग के लिए एटलीस्ट जीएस पोर्शन के लिए तो सफिशेंट रहेगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी में जितना रिक्वायर्ड है उसका भी मैं OCMTQ की और UPPCL JEE बैच में करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। और देखिए किसी भी एग्जाम को टारगेट करना होता है तो आपको सब चीज करके जानी होती है एग्जाम में, तो उस चीज का आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। आज की क्लास हम लोग की शाम को 8:30 बजे होगी, जो हमारी त्रिशूल 2.0 की जो क्लास चल रही है, तो आज हम लोग क्लास करेंगे शाम को 8:30 बजे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने ही बच्चे मेरे पेड यूजर हैं, आप लोग त्रिशूल की 2.0 क्लास को अटेंड कर लीजिएगा शाम को आके। थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी भी तरह का आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को मुझे बताना है कि क्या क्या डाउट हो रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप लोग टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे KVS वर्क एक्सपीरियंस या UPPCL या जो PGCIL में जो वैकेंसी आ रखी है, अगर आप इनमें किसी भी वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं या अपकमिंग स्टेट JEE या AE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग आंख बंद करके JEE स्कोर के 2 बैच चलते हैं। अगर आप JEE के हैं तो आप या तो OCMTQ बैच ज्वाइन कर लीजिए या आप UPPCL JEE बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग AE की तैयारी कर रहे हैं तो आप OCMTQ बैच फॉर AE ज्वाइन कर लीजिए, AE बैच ज्वाइन कर लीजिए, EE ओनली वाला अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इसके अंदर दोनों बैच में आप लोग को टेक्निकल कंप्लीट मिलेगा, नॉन टेक्निकल कंप्लीट मिलेगा, टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, और उसके साथ में आपको KVS वगैरह का जो भी सिलेबस है वो पूरा मिलेगा, और त्रिशूल 2.0 आप लोग को
कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। ओसीएमटी की बैच जेई की जो फीस है वो है 1299 है, और एई की फीस है 1499 है। बिना देरी के आप लोग एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोर्स का लिंक दे दिया है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग एनरोल कर सकते हैं, और या किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है उस पर बात कर सकते हैं। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इस बार केवीएस की तैयारी मेरे साथ कीजिए, यूपीपीएससी की तैयारी मेरे साथ कीजिए। सबके लिए एक ही बैच है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बैच परचेज करने हैं। और जिन्होंने पहले कर रखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई दूसरा बैच नहीं खरीदना है, इसी क्लास में हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और आज की शाम की क्लास में आ जाइएगा 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।